अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में रमजान स्पेशल बन रहा है मैक्रोनी फ्रूट सैलेड। तो बहुत ही ज्यादा मजे का ये मैक्रोनी फ्रूट सैलेड बनने वाला है। तो इसके लिए हमें जो चीजें चाहिए, मैक्रोनी लिए हमने 2 कप बॉयल की हुई मिक्स फ्रूट्स लेंगे हम। मैंने 2 कप मिक्स फ्रूट्स लिए हैं कोकटेल के, मतलब 2 टिन ले लिए कोकटेल के। फ्रेश क्रीम लेंगे हम 1 पैकेट। मायोनीज लेंगे हम 1/2 कप। कंडेंस मिल्क लेंगे हम 1 कप। अपनी मर्जी के मुताबिक आप 1/2 कप भी ले सकते हैं, 1 कप भी ले सकते हैं, मतलब जितना आपको मीठा पसंद है ना 1 कप ले लें, अगर नहीं पसंद तो 1/2 कप ले लें। चेरीज लेंगे हम ग्रीन और रेड, अपनी मर्जी के मुताबिक आप ले सकते हैं, जितनी मर्जी ले लें, ठीक है। तो बहुत ही ईजी, बहुत ही मजे का यमी यमी सा हमारा ये मैक्रोनी फ्रूट सैलेड बनने वाला है। क्रीम मैंने 200 ml का आम जो पैकेट होता है ना वो वाला लिया है। आम पैकेट आप ले सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा फ्रेश क्रीम, ठीक है। बाउल में सबसे पहले हम फ्रेश क्रीम डालेंगे, मायोनीज, कंडेंस मिल्क, होममेड ये कंडेंस मिल्क है, मैंने घर में बनाया है। आप सर्च करें कंडेंस मिल्क बाय किचन विद आमना तो आपको इजीली मिल जाएगा। ये घर में बनाए बहुत ही अच्छा बनता है, बाजार से तो बहुत ही महंगा मिलता है ना, तो आप घर में बना सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मिक्स हो चुका है। अब सारे फ्रूट्स हम इसमें डाल देंगे, मैक्रोनी, कॉकटेल फ्रूट्स मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे चेरीज, मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे किशमिश, मैं आपको बताना भूल गई थी, आप हसबे जरूरत डाल सकते हैं, अगर आपका पसंद है तो आप डाल दें, ठीक है। मिक्स करेंगे और अब इसे हम डाल देंगे सर्विंग बाउल में। तो अब इसे हम डेकोरेट कर देंगे चेरीज से। तो तैयार है हमारा मजे का मैक्रोनी फ्रूट सैलेड, बहुत ही जबरदस्त बना है। तो आप इसे इफ्तार में जरूर ट्राई करें और इस वीडियो को नीचे मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये सैलेड की रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये यमी यमी से मैक्रोनी फ्रूट सैलेड की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर में से शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।